तो जहाँ तक हमें माननीय अध्यक्ष महोदय की इसके बारे में है, तो मैं बाहर रहा हूँ, अधिकांश जानकारी नहीं मिली है। मैं इस संबंध में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा करूँगा, उनकी क्या नाराज़गी है, प्रयास करूँगा उनकी नाराज़गी दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं उनको किसी पे संदेह है, कई बार ऐसे सुरक्षाकर्मी ड्यूटी में लगाए जाते हैं जो संदिग्ध रहते हैं, या इन पर VIP का विश्वास नहीं रहता, तो ऐसे सुरक्षाकर्मी अगर होंगे तो हमें इस बात को संज्ञान में बात आई है, तो अपने माननीय अध्यक्ष जी से चर्चा करके इसमें आगे बातचीत करूँगा, कार्रवाई करूँगा। यानी उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी? हाँ, मैं पूरा प्रयास करूँगा उनकी नाराज़गी दूर हो। हमारा दायित्व है हमारे विधानसभा के अध्यक्ष की गरिमा रखना, उनका सम्मान रखना मध्य प्रदेश सरकार का काम है, और हम लोगों का भी सर्दी कार्यमंत्री होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है, ड्यूटी बनता है। सर, इसके अलावा कर्मचारियों का DA बढ़ाए जाने की भी तैयारी है, फाइनेंस ने आपको DAD को प्रस्ताव दिया जाए? अभी जानकारी आपके माध्यम से मिली है, हम फाइल अभी हम बाहर रहने के कारण सचिवालय नहीं पहुंच पाए, अब एक आध हम रुक रहेंगे, अब उसके बाद जानकारी देंगे, अगर होगा तो फाइनेंस की सहमति होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वचन दिए हैं वो तो पूरा होंगे, उनके मुख्यमंत्री जी के वचन होंगे, कोई शत प्रतिशत पालन होगा, लेकिन वचन भी केवल एक वर्ष के लिए नहीं, 6 महीने के लिए, 5 वर्ष के लिए, धीरे धीरे जो वचन पत्र में वचन दिए, चुनाव में जनता को वादा किया है, वो 5 वर्ष में प्रत्येक वादा पूरा किए जाएगा। सर, इसके अलावा कल कई अफसरों के तबादले हो गए, कांग्रेस BJP कह रही है कि आचार संहिता में जो दागी थे उन अफसरों को दोबारा देना। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है कि कांग्रेस तो जो अच्छा काम भी करे उसको उनको खिलाफत करना है, और उन्होंने 15 वर्ष में जितने पूरे प्रदेश को खोखला कर दिया, अरबों रुपये का घोटाला घटाला, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जहाँ उन्हें लूटा ना हो, तो पहले उनको अपना गरीबान देख लेना चाहिए, तब किसी पर आरोप लगाए। अब चूँकि चुनाव आयोग में 2-2 महीने में कलेक्टर जो हुए थे, ट्रांसफर किए गए, आयोग की वजह से किसी कभी शिकायत की वजह से हटाए गए, तो उनका भी सम्मान रखना सरकार का दायित्व है कि 2 महीने में हटाए, कोई 1.5 महीने भी हट गया है तो उनको दोबारा पूरा कार्य करने का अवसर दिया गया, ताकि वो हतोत्साह नहीं हो, उत्साह के साथ प्रदेश की जनता का सेवा करते रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सिंधिया जी का नाम आगे बढ़ाया जाए? ये काम हमारा नहीं है, ये हमारे पार्टी नेतृत्व का है, जिसका हमारा पार्टी नेतृत्व कमान सौंपेगा उसको, हम शायद उसके पीछे नामबंद होकर खड़े हो जाएंगे। सर, लेकिन कमलनाथ जी ने तो PCC अध्यक्ष लेते हुए अच्छे नतीजे दिए, तो आपको लगता है कि वो सत्ता और संगठन दोनों संभालने के लिए परफेक्ट है? नहीं, जहाँ तक सवाल है कमलनाथ जी की इच्छा पर, वो स्वयं कमलनाथ जी अब अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते, क्योंकि सरकार का दायित्व बढ़ रहा है, और अगर दोनों काम देखते हैं तो उतना समय संगठन को नहीं दे पाते, यही उनकी स्वयं की इच्छा है, और उनकी स्वेच्छा के अनुसार ही उनकी इस्तीफा होगा, वो छोड़ेंगे पद, तो कोई जिसको हमारे हाई कमान जिसको नियुक्त करेगा उसको अध्यक्ष स्वीकार करेंगे। आपके अनुसार कौन योग्य होगा अध्यक्ष के लिए? अब उसके लिए तो मैं क्या बता सकता हूँ, योग्यता तो सब जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, परिणाम दे, वो योग्य है। जी, मैं स्वयं तो अभी कोई भरोसा रखता हूँ नहीं कि अभी कह दूँ योग्य कर लो असफल हो जाए, लेकिन युवा होना चाहिए प्रदेश। हाँ, केवल युवा से काम नहीं चलेगा, युवा हो अनुभवी भी हो, जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, भाग दौड़ करने की हिम्मत हो, बीच का हो, ना पूरा युवा हो ना पूरा वृद्ध हो। सिंधिया जी क्यों, अब हाई कमान जिसको बैठा है वो कहेगा वो हमारे लिए फिट है। कमलनाथ जी तो 72-73 साल के होने के बाद ही प्रदेश में सरकार बनाई हुई है, तो वे क्या उनको क्या कहेंगे, अनफिट कहेंगे? वो पूरी तरह से सफल हुए हैं, लेकिन वो तो खुद ही उनकी इच्छा है कमलनाथ जी की, क्या किसी और को दायित्व मिलना चाहिए। BJP के विधायक विश्वास सरन, उनका कहना है कि जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा था उसके जिम्मेदार पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना थे। अब हमें कोई उल्लेख साहित्य इतिहास या उस समय का कोई लिखा हुआ लेख बता दें, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यकर्ता है ट्रेनिंग दी हुई, उसका फर्जी उनको ट्रेनिंग इस प्रकार दी जाती है कि फर्जी
झूठ बोलो और फैलाओ, बार बार कहो ताकि लोगों को सही बना दे, और झूठ बोल बोल कर ही मोदी ने दोबारा सत्ता हासिल कर ली। कांग्रेस सर किसान कल से आंदोलन पे हैं, तीन दिन के कल सब्जियां वगैरह हो रही है मार्केट में, नहीं है बाजी काम ऐसा सब्जी है आंदोलन पर। किसान इतना बड़ा प्रदेश है, किसी की कोई समस्या होती सरकार की जहाँ ड्यूटी है, सरकार पूरी तरह से किसानों के लिए चिंतित है और हर मामला हर मुद्दा किसानों का लिए हमने किए हैं। सबसे पहले ऋण मुक्ति की है किसानों के लिए, जो किसान कमजोर वर्ग के उन किसानों के लिए उनको पेंशन देने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। किसानों के अभी प्याज खरीदने के लिए हमने व्यवस्था की है, अलग से उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने गेहूं खरीदी में बोनस न देने का प्रतिबंध लगाया था, तो हम बोनस नहीं देके उनको क्षतिपूर्ति के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। नाम चेंज है लेकिन क्षतिपूर्ति हुई है, कहीं आरा कहीं पारा कहीं गिल्ली कहीं इल्ली तमाम लग जाते हैं सूखा, तो इसलिए हमें उनको क्षतिपूर्ति के नाम पर भी उनको पूरी राशि जो उसमें दी जाती थी बोनस में, लेकिन शिवराज सिंह ने खुशहाल नहीं दी थी पाँच वर्ष की रोक के, लास्ट चुनाव के समय में किसानों को गुमराह करने के लिए, किसानों को लालच देने के लिए उन्होंने अंतिम समय पे आखिरी पाँचवें साल का उनको बोनस दिया था। सर कर्ज माफी चुकी, चुनाव खत्म हो चुके हैं, कैसे पूरी तरह से चालू है और हो गई है, प्रतिदिन पैसा जो कलेक्टर के द्वारा जो मंजूर प्रकरण आ रहे हैं उनके लिए पैसा लगातार बैंक में भेजा जा रहा है। सर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की, दोहरी जिम्मेदारी को